हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि हमारा जो घर है, जो कि बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा घर है, उसको हमें किस तरह से साफ रखना चाहिए और क्यों साफ रखना चाहिए। हम सब जब से स्कूल छूटता है कहाँ जाते हैं, हमारे घर जाते हैं, क्योंकि घर हमारे लिए सबसे आराम की जगह है। वहाँ हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब रहते हैं, जिसको मिलकर हमें बहुत ही इत्मीनान और तसल्ली मिलती है। तो घर हमें मालूम है कि सफाई कितनी ज्यादा अहम है। अगर हम घर में सफाई ना रखेंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे, हमारा घर भी खराब दिखेगा और साथ ही साथ हमारी जो सेहत है उस पर भी बुरा असर होगा। और अगर कोई घर में हमारे आ गया और हमारा घर सब बिखरा हुआ है तो अच्छा लगेगा क्या? आने वाले मेहमान को भी क्या लगेगा कि अरे इनका घर कितना खराब है, ये लोग घर पे सफाई नहीं रखते हैं, है ना? तो आने वाले को भी बुरा लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। घर में इस तरह से चीजें फैली हुई रहने से, बिखरी हुई रहने से एक निगेटिव एनर्जी, मनफी एक जो ताकत है वो घर में आती है, जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं, जिसकी वजह से घर में हमारा छिड़छिड़ापन, बदगुमानी रहती है। तो जरूरी है कि हम घर को अच्छी तरीके से साफ रखें। घर की सफाई में हम हमारे माँ की मदद करें, हमें हमारे वालिद को भी चाहिए कि हमारे माँ की वो घर में मदद करें, खाना पकाने में, या फिर कपड़े धो रहे हैं तो सूखने डालना चाहिए, बर्तन धो रहे हैं तो उसे उठा कर रखना चाहिए, घर को साफ कर लेना चाहिए, अपना बिस्तर खुद उठाना चाहिए। इस तरह के छोटे मोटे काम कर कर हम हमारे घर को साफ रख सकते हैं। घर साफ रहेगा तो हम भी अच्छे रहेंगे, हमारे घर वाले भी अच्छे रहेंगे और हम सब सेहतमंद और खुशहाल रहेंगे। तो घर की सफाई बहुत ज्यादा अहम है, तो आप सबका फर्ज बनता है कि अपने घर को साफ रखें, घर को अच्छे से सजाएं और हमेशा सफाई का ख्याल रखें। घर में जब अगर बाहर से आए तो जूते बाहर निकालें, उसे घर के अंदर तक ना ले आए। जब हम बर्तन खुला से आए तो अच्छे से अपने हाथ मुंह वगैरह धो लें, धोने के बाद ही हम घर में आए। अगर घर में से हम कोई चीज खा रहे हैं तो पहले अपने हाथ अच्छे से धो लें। इस तरह से हम खुद की भी सफाई का ख्याल रखें और घर की भी सफाई का ख्याल रखें, जिसकी वजह से हम सब सेहतमंद रहें और अच्छे से रहें। तो वादा कीजिए कि आप लोग भी आज से घर की सफाई का अच्छे से ख्याल रखेंगे, सिर्फ अपनी माँ के ऊपर इस तरह की जिम्मेदारी नहीं डालेंगे, आप भी बराबर उसमें अपना हाथ बटाएंगे, है ना अच्छे बच्चे? वेरी गुड।